गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दिलीप खंडेलवाल मेहतापीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने पास मैकेनिक्स ऑसिलेशन में चैप्टर सेकंड का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा, लास्ट टॉपिक है, और वो है स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण की गति। यानी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने? पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ चुके थे पहले वाली क्लास में। उसमें ही मुझे क्या करवाना है, किसी पार्टिकल को मूव करवाना है कि यदि अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व में यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी डिपेंडेंसी कैसे आएगी, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन इसमें होगा वो कैसे होगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी बात करेंगे। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यदि कोई पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी कर्व के रूप में बिहेव करता है तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है इस टॉपिक रहेगा स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण की गति, मोशन ऑफ पार्टिकल इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व। यदि कोई कण, यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई कण, देखो यदि कोई कण बिंदु ए व बी के बीच में, यदि कोई कण, इसका मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, पहले लैंग्वेज है वो देख लेते हैं, कि यदि कोई कण बिंदु ए व बी के बीच में दोलन गति करता है। क्या करता है? दोलन गति करने का मतलब है यदि ये पार्टिकल, ये इसकी इक्विलिब्रियम है, ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, ये पार्टिकल इस तरीके से यदि कोई बिहेव करता है, इस तरीके से वो क्या करता है, दोलन गति करता है। दोलन गति का मतलब है कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द गति करना या एक पॉइंट के इधर उधर गति करना। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई कण बिंदु ए व बी के बीच में दोलन गति करता है तो कण यह गति परिबद्ध क्षेत्र में होती है। तो यह गति क्या होती है अपने पास? परिबद्ध क्षेत्र में होती है, बाउंड में होती है। क्या होती है? परिबद्ध क्षेत्र में होती है। तो बिल्कुल ए और बी के बीच का जो क्षेत्र था वो अपन ने नाम दिया था क्या? विभव कूप या परिबद्ध क्षेत्र। तथा इसके वर्तन बिंदु, टर्निंग पॉइंट्स ए व बी, टर्निंग पॉइंट्स ए व बी का मतलब क्या है कि वो इस साइड तो ए पॉइंट पर जा सकता है, इस साइड वो बी पॉइंट पर जा सकता है, बीच वाली उसकी क्या होगी? इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। अतः कण की यह गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति होती है। स्थितिज ऊर्जा वक्र में परिबद्ध क्षेत्र में यह कण की गति परवलय आकार की होती है, बिल्कुल परवलय आकार की होती है। क्योंकि जब भी मैं पार्टिकल को इस तरीके से, इसका डायग्राम मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तो मैं कह सकता हूं कि यह आपका कोई टर्निंग पॉइंट ए है, ये टर्निंग पॉइंट बी है, तो इसमें जो ये वाला इसका आकार होगा वो कैसा होगा? परवलय आकार का होगा। यानी कण की गति किस आकार में होगी? परवलय आकार में होगी। तो मैं कह सकता हूं कि कण की गति पैराबोलिक शेप में होगा। यदि कण की गति परिबद्ध क्षेत्र में नहीं हो, यदि कण की गति परिबद्ध क्षेत्र में नहीं हो, बाउंड नहीं हो, बाउंड नहीं होने का मतलब है ये पार्टिकल जैसे ऐसे आ रहा था, अब ऐसे न आने की बजाय वो ऐसे घूमने लग गया, ऐसे क्या करने लग गया, डांस करने लग गया। तो मैं कह सकता हूँ पार्टिकल यदि रियल में ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, पर्टिकुलर एक कंडीशन से चलेगा, तब तो वो क्या हो जाएगी? परवलय आकार में मूव करेगा, और वो क्या होगी? आवर्त गति होगी, दोलन गति होगी, ऑसिलेट करेगा। यदि वो क्या कह रहा है कि यदि कोई कण की गति परिबद्ध क्षेत्र में नहीं हो, यानी कोई पार्टिकल बाउंड नहीं हो, तो वह सरल आवर्त गति नहीं होगी, और सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? निम्न होती है। और निम्न में क्या होती है अपने पास? मुझे पता है कि वो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U = F = -का du / dx अपन निकाल सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, इफ ए पार्टिकल परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, देन इट्स मोशन ऑफ द पार्टिकल अकर्स इन द बाउंड्री रीजन एंड इट्स टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स क्या होगा अपने पास? ए और बी, आर ए एंड बी, दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल अकर्स इन द बाउंड्री रीजन, स्पीड इज पैराबोला, ये स्पीड नहीं है, ये शेप है, इसको सही कर देना आप, ये क्या है अपने पास? शेप है। तो ये स्पीड ना होकर क्या है अपने पास? शेप है। शेप इज पैराबोला शेप, या ऐसे लिख सकते हो, स्पीड इज पैराबोला शेप, इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट इन ए बाउंडेड रीजन देन इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि वो बाउंडेड में है नहीं है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये तो अपन ने सारा पढ़ रखा है, अपन ने पोटेंशियल वेल पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, ये सारी चीज़ें उसमें देख रखी है। इसमें एक वर्ड आया है परवलय आकार का, यानी जो भी पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। क्लियर? इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, इसमें जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ इस टाइप का है। ये वाला,
ये क्या हो जाएगा, इसका कोई एक्सिस हो जाएगा, और ये एक्सिस मैं कितना मान सकता हूँ अपने पास, कोई भी मान सकते हो। यहाँ से मुझे कोई पैराबोलिक बनाना है, तो पैराबोलिक बनाने के लिए मैं कोई दो टर्निंग पॉइंट लूँगा, क्या लूँगा, दो टर्निंग पॉइंट लूँगा, तो ये कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। अब यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है अपने पास, ये ए टर्निंग पॉइंट है, ये क्या अपने पास बी टर्निंग पॉइंट है, और ये जो पूरा रीजन है, यदि कोई पार्टिकल ए और बी के बीच में मूव करता है, और तो क्या करेगा, ए और बी के मूव में मूव कर रहा है, इसके बीच में मूव कर रहा है, या इसमें ऑसिलेटरी मोशन हो रहे हैं, तो वो क्या होगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सरल आवर्त गति होगी, दोलन गति होगी। और इसमें जो इसका रीजन है क्या है, इसमें ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा अपने पास, इस टाइप से हो जाएगा, ये इसका अपना रीजन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, सारे रीजन हो जाएंगे, ये अपने पास क्या होगा, रीजन। तो ये जो ए और बी है ये क्या है अपने पास, टर्निंग पॉइंट है, क्या है अपने पास, टर्निंग पॉइंट, कौन सा, ए, और ये वाला भी क्या है अपने पास, टर्निंग पॉइंट है, बी, ये भी क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट। ए और बी टर्निंग पॉइंट है, इसे हिंदी में बोलते हैं बर्तन बिंदु, क्या बोलते हैं, बर्तन बिंदु। टर्निंग पॉइंट में क्या बोलेंगे अपन, बर्तन बिंदु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए और बी हो जाएगा, और ये क्या कहलाएंगे अपने पास, बर्तन बिंदु कहलाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो भी ये टर्निंग पॉइंट्स है, इन टर्निंग पॉइंट्स में अपन क्या करेंगे कि यदि कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, तो देख लो इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, पैराबोलिक दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला इसका डायग्राम बनेगा, और इसमें ही अपन को क्या करना है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है। तो ये अपन ने लिख चुका था, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो मुझे पता है कि वन डायमेंशनल में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है अपने पास, यू इज इक्वल टू वन बाई टू के एक्स स्क्वायर। जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, जैसे कोई स्प्रिंग को खींचता हूँ मैं, कोई पार्टिकल है उसे एम मास कोई बांधा हुआ है, उस स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ, तो उसकी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, कितनी आती है, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अपन ने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्या होगी अपने पास, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगी अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अपने पास यू इज इक्वल टू वन बाय टू के एक्स स्क्वायर। ये वाले क्या होगी अपने पास, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैं कह देता हूँ कि यदि बल संरक्षी है, यदि बल क्या है, फोर्स इज कंजर्वेटिव, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, यदि कोई फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो इसके लिए एफ कितना हो जाएगा अपने पास, मुझे पता है कि इसका एफ कैसे लिखते हैं, माइनस का डेल यू, ये लिखते हैं। अब मैं हो जाएगा कि एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि मैं बंडी के लिए बात करूं, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस डी यू अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी यू अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, यदि ये फोर्स क्या है अपने पास, बंडी का है। अब अपने पास ये तो था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन जो फर्स्ट थी u इज इक्वल टू वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यानी समीकरण एक का, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना आएगा, यानी ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, फर्स्ट का करना, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स,
माइनस वन बाय टू था, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जो वन बाय टू था वो क्या हो जाएगा अपने पास, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स, यानी टू आगे आ जाएगा, तो टू बाय टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा टू बाय टू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये वाली टर्म क्या बनी अपनी, डी यू बाय डी एक्स, डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी थर्ड। तो फर्स्ट हो गया वन बाय टू के एक्स स्क्वायर, सेकेंड अपन ने ले लिया इसका फोर्स, और थर्ड इक्वेशन क्या आ गई अपने एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके क्या निकाली मैंने, वैल्यू निकाली। अब मुझे पता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल होता है, वो कितना होता है, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसमें प्रत्यानयन बल काम करता है। प्रत्यानयन बल क्या काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स कैसे वर्कआउट करता है, जिस पार्टिकल में मैंने, मैं जिस डायरेक्शन में मैंने किसी पार्टिकल को क्या किया, डिस्प्लेस किया है, तो उसके ऑपोजिट वो क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा। यानी पार्टिकल मैंने इधर खींचा है तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, एफ इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास माइनस का के एस। क्या आ जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का के एक्स। मुझे पता है कि न्यूटन्स के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का के एक्स। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ डी वी अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ, या फिर मैं डी टू एक्स बाई डी टी, यानी त्वरण कब मिलता है, जब किसी पोजीशन का दो बार समय के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एम डी टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा के बाई एक्स। तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एम डी टू एक्स अपॉन में हो जाएगा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था अपने पास माइनस का के बाय एम एक्स, माइनस का क्या था अपने पास के एक्स। ये वाले टर्म थे, एम को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के एम और साथ में क्या हो जाएगा एक्स। अब ये जो के बाय एम है क्या है अपने पास, ये के बाय एम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर। आप सभी को पता है कि जो के बाय एम वाली टर्म होती है वो क्या होती है ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी वाली टर्म होती है। तो ये क्या हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर एक्स, किस में माइनस में, तो डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जीरो। तो ये क्या कहलाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण को व्यक्त करता है, यानी दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली कौन सी टर्म है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म कौन सी है, यह समीकरण, यह समीकरण सरल आवर्त गति की समीकरण है। सरल आवर्त गति की समीकरण है, क्या हो जाएगी सरल आवर्त गति की समीकरण हो जाएगी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, क्या हो जाएगा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये अपने पास इक्वेशन आ गई, तो ये इक्वेशन क्या है, इसका मैं सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इस अवकल समीकरण का हल करना है। क्या करना है मुझे, टॉपिक लगा लेना कि या इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। ये तो क्या हो गया अपने पास, एक अवकल समीकरण हो गई। तो ये तो क्या आ जाएगा कि जब भी कोई पेंडुलम, जब कोई पार्टिकल किसी इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में मूव करता है तो उसका शेप पैराबोलिक होता है और वो एक सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो ये उसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल अवकल समीकरण हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है मुझे, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल, क्या हो जाएगा अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण के हल में यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये वाली टर्म हो जाएगी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म क्या आती है अपने पास, डी
2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे पता है कि ये क्या करता हूँ मैं, डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब मैं इसमें करूँगा, इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें टू डी एक्स बाय डी टी से दोनों साइड गुणन करता हूँ, मतलब पहले इसको इधर भेज देंगे गुणन करने पर, तो मुझे पता है कि देखो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, डी टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म तो थी टू, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास टू डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इसको इधर भेजेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें ये करो कि ये टर्म जो मल्टीप्लाई की है वो हमेशा पहले लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा टू डी एक्स अपॉन में डी टी और ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर, ये वाली क्या आ जाएगी टर्म आ जाएगी। अब क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे, डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, बताओ क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ कि डी बाई डी टी और क्या हो जाएगा अपने पास, और इसको लिख सकता हूँ टू ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, लिख सकते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। अब यदि मैं इसका वापस डेरिवेटिव करता हूँ तो पहले पावर का होगा, तो क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी टू डी एक्स बाई डी टी ऐसे का ऐसे, और इसका डेरिवेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी, यानी इस टर्म का यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वापस ये टर्म मिलेगी। इसका मतलब मैं इस टर्म को इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या करता हूँ मैं इस टर्म को इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यदि इस माइनस को इधर भेज दो, क्या भेज दो अपने पास, इस माइनस को तो रहने दो, उधर भेजने की जरूरत है नहीं, ये वाली जो टर्म आएगी इसमें मैं क्या करूँ दोनों साइड इसका समाकलन कर दूँ, तो समाकलन करूँ तो क्या आएगा, दोनों और समाकलन करने पर इंटीग्रेट करने पर, तो वी कैन टेक इंटीग्रेट ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, इंटीग्रेट डी अपॉन में डी टी, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन में डी टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेट माइनस का टू ओमेगा स्क्वायर एक्स और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो इंटीग्रेट होगा तो इसमें ये डी टी किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाहिए, तो इस डी एक्स बाई डी टी था इसमें से इस डी टी को इधर भेज दो, क्या भेज दो डी टी को इधर भेज दो, ये वाली जो टर्म है इसमें मैं क्या करता हूँ डी टी तो इधर आ जाएगा और डी एक्स इधर आ जाएगा, जो डी एक्स बाई डी टी था इस डी टी को इधर भेज दिया, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा डी बाई डी टी वाली टर्म हट जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या आएगी अपने पास डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी डी एक्स बाई डी टी ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, और सी यहाँ पे क्या होगा समाकलन नियतांक होगा, सी यहाँ पर क्या होगा समाकलन नियतांक होगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, पहले कौन सा दिया था इक्वेशन नंबर, कुछ भी नहीं दिया, थर्ड दिया था, तो इसको दे दो फोर्थ जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, और आगे वाली को दे दो इसको फाइव। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई कि डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यदि मैं टर्निंग पॉइंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं टर्निंग पॉइंट की बात करता हूँ, वर्तन बिंदु की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ वर्तन बिंदु की ए या बी की, तो वर्तन बिंदु ए या बी पर यदि मैं मानता हूँ तो वर्तन बिंदु के लिए जो अपना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, तो x इज इक्वल टू तो क्या होगा अपने पास a होगा और डी एक्स बाई डी टी कितना होगा जीरो। मुझे बताएं कि जो वर्तन बिंदु है वर्तन बिंदु की डिस्टेंस कहाँ से मेजर आउट करोगे, वी ए डायग्राम में यहाँ से होगी, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस मानोगे वो क्या मानोगे ए मानोगे, जो एक फिक्स डिस्टेंस होगी जो चेंज नहीं हो सकती। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है
ये वाली, वो क्या हो जाएगा, यदि मैं ए पॉइंट लेता हूँ तो x इज इक्वल टू ए ले सकते हो, बी लेता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसके जगह क्या हो जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू ए और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो c की वैल्यू क्या निकलेगी, तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो है, c की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेजोगे x की जगह क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को, c की वैल्यू यानी इस समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था अपने पास, इज इक्वल टू था ये वाली टर्म थी क्या, देखो ये वाली टर्म हो गई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे अपन को क्या करना है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर करना है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस सी की वैल्यू आई है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये वाली टर्म बनेगी डी एक्स अपॉन में डी टी, क्या बनेगा डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसको भी मैं सेपरेट कर दूँ तो डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी इसका समाकलन कर सकता हूँ, यहाँ पे भी इसका क्या करूँगा समाकलन करूँगा, तो यहाँ पे देखो यदि दोनों ओर मैं इसका समाकलन करता हूँ, क्या करता हूँ दोनों ओर समाकलन करता हूँ, दोनों ओर समाकलन करने पर यानी दो बोथ साइड में क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा डी टी हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि जब ये वाला इंटीग्रल आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स फॉर्मूला आपने 10th क्लास में या 11th 12th में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स क्या आता है अपने पास एक्स बाय ए, क्या आता है अपने पास इसका जो इंटीग्रल का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा साइन इनवर्स और साथ में क्या हो जाएगा एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस का क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा टी प्लस का सी, पहले ले लिया था कांस्टेंट तो इसको ले लो सी वन। अब मुझे पता है कि यदि मैं सी वन की वैल्यू निकालता हूँ कहाँ से, साम्यावस्था से, यदि इक्विलिब्रियम में बात करता हूँ तो साम्यावस्था में एक्स इज इक्वल टू कितना होगा जीरो होगा, t इज इक्वल टू कितना होगा जीरो, यदि t जीरो है x जीरो है तो अपना c1 भी कितना आ जाएगा जीरो, यानी यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास साइन इनवर्स x अपॉन में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा t, साइन को उधर भेजोगे तो वो टर्म क्या हो जाएगी अपने पास x अपॉन में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t, ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a साइन ओमेगा टी, ये उस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो ये हो गया अपने पास क्या इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कि x इज इक्वल टू कितना आएगा a साइन ओमेगा टी। तो मुझे पता है कि यदि कोई पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर यदि दो बिंदु के बीच में विभव कूप में दोलन गति करता है सरल आवर्त गति करता है तो उसके अवकल समीकरण डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो आता है, और उस अवकल समीकरण को यदि मैं सॉल्व करता हूँ बाउंड्री कंडीशन लगा के तो उसका सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आता है, यानी एक तरीके से जो वेव टाइप की इक्वेशन है वो आती है। और मुझे बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास टू पाई एफ भी हो सकता है, ए यहाँ पे क्या बताएगा आयाम को बताएगा, ए यहाँ पे क्या बताएगा आयाम या एम्पलीट्यूड को बताएगा, ओमेगा कोई एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी या फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ को बताएगा, और एक्स यहाँ पे क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, यानी क्या बताएगा विस्थापन बताएगा, क्या बताएगा विस्थापन। तो मैं लिख सकता हूँ कि यह समीकरण सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण का हल कहलाता है, तो आप लिख लेना इसके आगे कि यह समीकरण सरल आवर्त
गति की अवकल समीकरण का हल कहलाता है, जहाँ पर x विस्थापन है, a आयाम है। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड a इज द एम्पलीट्यूड। क्लियर। तो ये तो था अपने पास क्या इसका डेरिवेशन। तो अपन ने ये वाला डेरिवेशन पूरा किया जिसमें x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t अपन ने टर्म लाई है। देखो इसको एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये था अपने पास। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि स्थितिज ऊर्जा वक्रम में कण की गति होती है वो कैसे होती है, दोलन गति होनी चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या है कि वह किस में होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन में होना चाहिए, परिबद्ध अवस्था में होना चाहिए। थर्ड चीज, वर्तन बिंदु या टर्निंग पॉइंट क्या होना चाहिए अपने पास, ए व बी होना चाहिए, यानी कोई भी दो टर्निंग पॉइंट लेने हैं। और यह गति कैसे होनी चाहिए अपने पास, सरल आवर्त गति। तो जो जो इंपॉर्टेंट है देखो, फर्स्ट तो दोलन गति होनी चाहिए, सेकंड बाउंडेड स्टेट होनी चाहिए, थर्ड टर्निंग पॉइंट्स होने चाहिए, और फोर्थ क्या कहता है, सरल आवर्त गति होती है। ये सारी कंडीशन को फॉलो करेगा तो क्या कहलाएगा, वो SHM को फॉलो करेगा। यदि मैं कहता हूँ कि इसका जो पार्टिकल का शेप होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल का शेप नहीं, पार्टिकल के गति करने का शेप, किसका, पार्टिकल जिस स्पीड से गति करेगा, तो पार्टिकल की गति करने का शेप कैसा होगा, ना कि पार्टिकल का, तो पार्टिकल की गति करने का शेप कैसा होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार। कण की गति होती है वो किस में होती है, बाउंडेड में होती है, तो वह सरल आवर्त गति नहीं होगी, और सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये होती है। तो देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, एक तो ऑसिलेटरी मोशन, एक है अपने पास टर्निंग पॉइंट्स ए बी, और यहाँ पे जो भी पार्टिकल का मोशन होगा वो क्या होगा, बाउंड्री रीजन, बाउंड्री रीजन के अंदर आएगा तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद अपन ने क्या बनाया, इसका कर्व बनाया। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम एज इट इज आपको नोट्स में लिखना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख रहा हूँ, थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, वो की वो थ्योरी आपको लिखनी है, क्योंकि ये थ्योरी बुक की नहीं है, ये थ्योरी अपने खुद की है, खुद से बनाई गई थ्योरी है, लैंग्वेज है वो सबको खुद को बनाकर लिखनी होती है, तो लैंग्वेज अपन ने बनाकर लिखी है। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी कर्व था जिसमें दो टर्निंग पॉइंट लिए थे ए और बी। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि काइनेटिक और पोटेंशियल का रोल था, तो कहीं पर काइनेटिक मैक्सिमम थी, तो यहाँ पे क्या था, काइनेटिक क्या था अपने पास, मिनिमम था, पोटेंशियल क्या था, मैक्सिमम था। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट पे क्या था, काइनेटिक तो क्या थी अपने पास, मैक्सिमम थी, और पोटेंशियल क्या थी अपने पास, मिनिमम थी। ऐसे ही अपने पास इस टर्निंग पॉइंट पे आओगे तो वापस वही कि काइनेटिक तो क्या होगा, मिनिमम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा अपने पास, मैक्सिमम होगा। ये था, और इसके बीच में ये वाला केस फॉलो हो रहा था, जब कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा तो वो सरल आवर्त गति होगी, सरल आवर्त गति में जो फोर्स काम करता है वो क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ली, कितनी ली, यू इज इक्वल टू 1/2 kx2। यदि मैंने कह दिया कि यदि कोई फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैंने देख रखा है कि यदि कोई फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू होता है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू, इसको वन डायमेंशनल में लिखना है, तो ये क्या है, वन डायमेंशनल का है, तो डी यू बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। यदि समीकरण फर्स्ट का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो डी यू बाई डी एक्स आया, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया, के एक्स स्क्वायर। यदि मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि जब कोई सरल आवर्त गति होती है रिस्टोरिंग फोर्स वर्कआउट करता है, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का के एक्स, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो f इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, तो ये हो जाएगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, और यहाँ से इसकी क्या बनेगी, अवकल समीकरण बनेगी। तो ये मैंने रख दिया, ये के बाई एम क्या बताएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बताएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके काम आएगा कि के बाय एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, और डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसको ये क्या कहलाएगी अपने पास, इधर आएगी तो एक अवकल समीकरण कहलाएगी, किसकी, सरल आवर्त गति की या दोलन गति की, SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये वाली क्या शो करती है, और इसका ऑर्डर कितना है, द्वितीय ऑर्डर है, क्या है अपने पास, सेकेंड ऑर्डर, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका कोई ऑर्डर होता है, तो ये कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर, यानी मैं लिख सकता हूँ कि द्वितीय कोटि की, क्या लिख सकता हूँ, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, क्लियर। इसके बाद अपन ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला, फिर मैंने इसका क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला कि अवकल समीकरण का हल क्या आएगा। तो ये अवकल समीकरण थी, इसमें मैंने 2dx बाई dt का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बोथ साइड में क्या कर लिया, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे थी, ये वाली ऐसे की ऐसे थी, दोनों साइड में मैंने 2dx बाई dt का मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर जाएगी तो माइनस में आएगी, इसलिए क्या आएगा, माइनस। तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म,
दोनों और मैंने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास ये डी वाई डी टी डी एक्स वाई डी टी का स्क्वायर डी टी माइनस टू ओमेगा स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, डी एक्स वाई डी टी का स्क्वायर था, अब ये वाली टर्म क्या हो गई माइनस का टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन लगाई टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट में आप ए भी लगा सकते हो बी भी लगा सकते हो, दोनों की डिस्टेंस एक तरीके से सेम ही होगी, यदि इधर लोगे तो भी सेम होगी, उधर का टर्निंग पॉइंट लोगे तो भी सेम होगी, क्योंकि अपन ने डायग्राम में देखा है क्या कि इधर वाली डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस दोनों ही क्या है इक्वल है, तो कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ए लेना है बी भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो टर्निंग पॉइंट लगाया ए, तो जहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाली तो टर्निंग पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स इज इक्वल टू ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना गया सेंटर पॉइंट से एक्स इज इक्वल टू ए, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है तो जीरो, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी क्या ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सी की वैल्यू मैंने इक्वेशन फाइव में रख दी, तो ये क्या हो जाएगा ये इक्वेशन फाइव है, तो मैंने कहाँ रख दी समीकरण पाँच रख दी, तो पाँच में रखी तो अपने पास ये वाली टर्म बनेगी। अब ये क्या आ गया डी एक्स बाई डी टी टू हटा गया तो स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना दोनों साइड से चरों का पृथक्करण विधि से मैंने इसको सेपरेट कर दिया, तो एक्स वाली टर्म एक साइड टी वाली टर्म एक साइड और दोनों और मैंने क्या कर दिया इसका समाकलन कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या आ गई ये वाली वैल्यू, और मुझे पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला रहता है कि डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनता है साइन इनिवर्स एक्स बाय ए, ये बनता है, तो ये वाली टर्म हो जाएगी। और साम्यावस्था में यदि मैं देखता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो और सी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनिवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी, तो एक्स बाय इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए साइन ओमेगा टी, और ये क्या कहलाएगा इसका अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। अवकल समीकरण का क्या कहलाता है हल कहलाता है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ पर क्या होता है अपना चैप्टर सेकंड यूनिट नंबर फर्स्ट का कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में जितनी थ्योरी का रोल है उससे कई गुना ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस रहता है, तो अपन ने जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में कवर किए हैं जो जो भी आपके सिलेबस में थे वो सारे टॉपिक कवर किए, तो अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके यूनिट फर्स्ट में, फर्स्ट था फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र वाला, सेकेंड था संरक्षी बल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, अब थर्ड आएगा अपने पास कोरियोलिस फोर्स, तो बहुत ही शानदार चैप्टर है कोरियोलिस फोर्स और बहुत ही स्ट्रेंथनिंग क्या है अपने पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि उसमें क्या होता है पृथ्वी घूमती है, हम सभी जानते हैं कि अर्थ रोटेट करती है, जब भी अर्थ रोटेट करती है तो उसके ऊपर क्या क्या रोटेशन से क्या क्या चेंज अपन को दिखाई देता है वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, क्लियर। तो कल की क्लास में अपन इससे आगे वाली क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।